तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और तेलंगाना की 119 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 30 नवंबर को होगा और चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर को घोषित होंगे। इस बार चुनाव में बीआरएस की प्रमुख विपक्षी कांग्रेस पार्टी है और सत्ता में आने के लिए वो काफी आश्वस्त नजर आ रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस लोक लुभावनी गारंटी योजना के ऐलान भी कर रही है और इसके बाद दिव्यांग महिला को प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही नौकरी देने का वादा भी कर दिया। वादा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने 17 अक्टूबर को किया, जिसमें उन्होंने दिव्यांग महिला को आश्वासन दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसे पहली नौकरी दी जाएगी। इस महिला का नाम रजनी है और रजनी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से लिखित आश्वासन दिया गया है, जिसमें कांग्रेस ने लिखा है कि चुनाव के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनते ही सरकारी नौकरी पाने वाली ये रजनी पहली महिला होंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के कार्यालय में गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस का गारंटी कार्ड है उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किया और उसके बाद रजनी को वो हस्ताक्षर सौंप दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले नौकरी आपको दी जाएगी। रजनी जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उन्होंने रेवंत रेड्डी को बताया कि उन्हें निजी कंपनियों में भी नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि उनकी हाइट कुछ छोटी है। आपको बता दें कि तेलंगाना में सरकारी विभागों में सभी भर्तियों को भरना कांग्रेस पार्टी के प्रमुख चुनावी वादों में से एक है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस दो बार सत्ता में रही लेकिन युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के वादे को पूरा करने में कथित तौर पर विफल भी रही, जिसको लेकर तेलंगाना के सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति बीआरएस पर निशाना साध रही है। कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता में आने को लेकर इतनी आश्वस्त है कि प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने 16 अक्टूबर को एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोगों को 9 दिसंबर को एलपी स्टेडियम में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित तक कर दिया, जबकि अभी चुनाव होना बाकी है और उसके परिणाम भी बाकी हैं। प्रदेश अध्यक्ष रेड्डी पहले भी घोषणा कर चुके हैं कि शपथ ग्रहण के बाद पहली फाइल पर हस्ताक्षर 6 गारंटियों के जो वादे किए गए हैं उस पर किया जाएगा। हालांकि गारंटी वाले वादे पर राहुल गांधी ने भी बयान दिया है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए। कर्नाटक में हमने 5 गारंटी का वायदा किया, पहले दिन हमारी कैबिनेट ने वो गारंटी पूरी कर दी। कर्नाटक में जाइए, कर्नाटक में महिलाएं बस का पैसा नहीं देती हैं, मुफ्त में घूमती हैं। हर महीने कर्नाटक के किसानों के बैंक अकाउंट में, कर्नाटक के महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो जो हम कहते हैं हम करके दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी ने तेलंगाना में 6 वादे किए हैं, जिसको उन्होंने कहा है कि अगर तेलंगाना में सरकार बनती है तो पहली कलम से ये सारे वादे को पूरे किए जाएंगे। अब देखते रहिए न्यूज़ पर।